तो आज से मेरा ये शिमला का जो ट्रिप है ये शुभारंभ होने जा रहा है। आती है मोटर ब्लॉगिंग नहीं आती, मोटर ब्लॉग के लिए तो ये चाहिए ही चाहिए। तो फिलहाल मैं हो चुका हूँ फुल रेडी। मैडम को छोड़ना है, मायके जा रही है हमारी मैडम। हाँ जी, जय श्री श्याम। तो कैसे हैं आप सब लोग? फिलहाल सुबह सुबह उठा, बस आज उठने में हो गया काफ़ी लेट, क्योंकि रात को बहुत लेट सो जाता मैं अपनी सारी तैयारी करके। अगर आपने मेरा पहला वाला व्लॉग देखा होगा तो आपको मालूम होगा कि मैंने उसमें जो है जो ट्रैवलिंग बैग में लेके जा रहा हूँ उसके बारे में सारी मैंने इन्फॉर्मेशन दी हुई है, प्लस जो मैं शिमला जा रहा हूँ मैं कैसे जा रहा हूँ वो सारी इन्फॉर्मेशन मैंने उसमें भी दी हुई है, कुछ ट्यूटोरियल मैंने उसमें दिया हुआ है। तो आज से मेरा ये शिमला का जो ट्रिप है ये शुभारंभ होने जा रहा है। तो बस आज ही वो फाइनल दिन आ चुका है। बहुत दिनों से जो है मैं ट्रिप का जो प्लान कर रहा था वो फाइनली आज मैं करने जा रहा हूँ। इस वाले ट्रिप में बने रहिए। इस ट्रिप में मैं जा रहा हूँ वृंदावन से लेके शिमला तक। तो मैं किस तरीके से जाऊँगा, स्टेप बाय स्टेप, क्या क्या उनके रेट हैं, कैसे कैसे फेयर्स हैं, स्टेप बाय स्टेप मैं आपको सब कुछ इस ब्लॉग में मैं आपको देता रहूँगा। तो बने रहिए मेरे इस शिमला के एपिसोड्स पे। और हाँ, इसको बहुत प्यार दीजिएगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए मेरी इस वीडियो को। काफ़ी इन्फॉर्मेटिव वीडियो ये होने वाली है। तो बस बने रहिए। और बस अभी सुबह जल्दी से उठ के फटाफट से मुझे अभी जाना है, थोड़ी कटिंग वटिंग करानी है, शेविंग वगैरह करवानी है मेरे को अभी। तो जल्दी से वहाँ चलते हैं, कराते हैं, क्योंकि अभी घड़ी में बज रहे हैं करीबन 9 और मेरे पास अब सिर्फ खाली 6 घंटे हैं। 6 घंटे बाद मेरी कैब है जो मेरे को दिल्ली के लिए लेनी है। और फटाफट से मैं इस वक्त शेविंग कटिंग कराने आता हूँ, क्योंकि ऑलरेडी वहाँ बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। उसके बाद अपने को तैयारी भी करनी है, थोड़ी मार्केट से परचेसिंग वगैरह भी करनी है। अच्छा, तो सब चीज़ इस व्लॉग में आपको दिखेगी। अब से मेरे जो व्लॉग है एकदम परफेक्टली चालू हो गए। कुछ टाइम से पहले जो मेरे व्लॉग थे कुछ सिनेमेटिक्स ज़्यादा दिखा देता था मैं, वॉइस मेरा कम रहता था उसके अंदर, वॉइस स्पीच जो है मेरी कम रहती थी उसके अंदर, और सिनेमेटिक दिखाता रहता था मैं, सिर्फ खाली वीडियोस दिखाता रहता था। बात तो सही है लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, अब सब कुछ एक साथ बैलेंस होकर चलेगा, सिनेमेटिक्स भी रहेगी और जो है मेरी स्पीच भी आपको आती रहेगी। तो फटाफट से तो चलिए चलते हैं सीधे शिपिंग कटिंग आने के लिए। हाँ जी, तो फाइनली एकदम मस्त ट्रिप टॉप होने के बाद तो फटाफट से अपनी पूरी ग्रूमिंग करा के मैं आ चुका हूँ। अब बस और थोड़ा सा ये सारा सामान है, ये सारे मेरे गैजेट्स वगैरह यहाँ पर चार्ज वार्ज में लगे हुए थे, चार्ज वार्ज में लगा कर मैं छोड़ गया था इसको मैं, ताकि मुझे फुल चार्ज हो जाए। अब बस फटाफट से सारा इस वाले बैग में पूरा सारा सामान ये मुझे सेटअप करना है और बस अपने निकलना है सीधे अपने राइड पे। तो उसके बाद तो ये सब सेटअप करने के बाद मेरे को नहाने जाना है, नहाकर फटाफट रेडी होकर थोड़ा फैक्ट्री भी जाना है, फैक्ट्री में थोड़ा काम है मुझे वहाँ भी देखना है। और बस टाइम इस वक्त मेरे पास बहुत कम बचा है, तो फटाफट से अपने सारे काम निपटाने, मार्केट का भी मुझे थोड़ा बहुत काम है। तो बस अब मैं या तो आपको सीधा मिलूंगा, या तो थोड़ा बहुत हो सकता है बीच में शूट कर लूँ, नहीं तो मैं सीधा मिलूंगा आपको अपने ट्रिप पर। फिलहाल कुछ इस तरीके का मेरा पूरा बैग जो है पूरा सेट हो चुका है। तो यहाँ पर मैंने अपने सारे इक्विपमेंट्स वगैरह सब कुछ मेरे इसमें आ गए, और ठीक है 2 दिन के ट्रिप के सबसे एकदम सही बैग है। और यहाँ पे मेरे ट्राइपॉड्स वगैरह भी सब मेरे यहाँ पे अच्छी तरीके से आ गए। सबसे अच्छी बात है कि यहाँ पर जिप बैग है, अगर मैं यहाँ स्टिक कर रहा हूँ तो मेरे को यहाँ पर जिप बैग एक मिल जाती है मेरे को, जो बहुत टाइट करने के लिए और अपने कन्वीनियंस के लिए बहुत ज़्यादा ईजी है ये, और सिक्योरिटी के लिए भी सही है एक तरीके से, कोई भी खोलेगा तो अचानक से
मालूम पड़ जाएगी। और इसमें भी लॉक के सिस्टम है और इस साइड भी ये है। तो मैंने क्या किया, हेलमेट का मैंने ये बैग बना लिया। ये बैग मुझे मिला था कहीं ना कहीं चौकी से, कुछ मैंने परचेसिंग की थी तो मुझे चौकी से मिला था। और ये मेरे दो नग मेरे हो चुके हैं, ये हिंदी में हम लोग नग बोलते हैं इसको। तो चलिए, हेलमेट ऐसे बड़ी मुश्किल से घुमाया, तो मेरा इतना बड़ा हेलमेट है और उसमें इतना सारा तामझाम रहता है, बड़ी मुश्किल से ये इसमें घुसा है। ऐसे मेरे एक जोड़ी शूज़ भी आ गए, ये वाले शूज़ मैं पहन के जा रहा हूँ, और एक जोड़ी मेरे बुलेट के जो शूज़ है वो मेरे इसमें आ गए हैं, वो पहनूंगा मैं कहीं बाइक राइड पर। और वहाँ पर थोड़ा हैवी है तो गर्मी में कम पहने आते हैं, लेकिन वहाँ थोड़ा बहुत मौसम सही मिलेगा तो वहाँ पर मैं आराम से पहन सकता हूँ उनको मैं। तो फिलहाल मेरे ये दो बैग हो चुके हैं और अब निकलते सीधा अपने रहते, तो टाइम हो चुका है ऑलरेडी, तो सीधा निकलते अपने जर्नी की तरफ, अपने डेस्टिनेशन की तरफ। बने रहिए आप इस ब्लॉग में, अगर आपको ये ब्लॉग पसंद आ रहा है तो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, शेयर ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को पॉपुलर कीजिए, थोड़ा मेरा भी सपोर्ट कीजिए। बराबर से मिलता हूँ आपको से थोड़ी सी देर में। हाँ जी, तो क्या बोलते हो हैंडसम। तो फिलहाल मैं हो चुका हूँ फुल रेडी और मेरे बैग्स और सब कुछ एकदम फिट एंड फाइन, सब कुछ रेडी है, एकदम सब का सारा रेडी हो चुका है। और ये पूरा इस तरीके से पूरा बैग है मेरा, अगर दोनों साइड से दिखाता हूँ, सिर्फ साइड से दिखाता हूँ तो ये कुछ इस तरीके से है। तो फिलहाल मैं हो चुका हूँ एकदम रेडी, और रेडी होने के बाद बैग को मैं टांग लिया है, बस सीधे निकलने की तैयारी है। निकलने की तैयारी से पहले बता दूँ मैं आपको कि ये मेरा बैग कुछ लग रहा है इस तरीके से, साइड प्रोफाइल ये है, बड़ा ही प्यारा क्यूट बैग है और पूरी की पूरी फुल मैचिंग। ये भी मेरा ग्रे, ये मेरी ब्लैक ब्लू जीन्स, तो ये सब पूरा का पूरा मेरा इस तरीके से सेटअप मेरा पूरा बन चुका है। और अब तो बस सीधे निकल ली और अब तो बस सीधे निकलने की तैयारी है एकदम बढ़िया तरीके से। तो बस अब निकलूँगा और ये रहा मेरा दूसरा बैग जो मैं नहीं लेके जा रहा हूँ। और सबसे अच्छी बात, एक बैग तो ये मेरे पीछे लदी दुका रहा है और दूसरा ये मेरा हेलमेट। इस हेलमेट को मैं फाइनली मैं लेकर जा रहा हूँ, अब आएगा मज़ा, अब निकल कर ट्रैवल। अभी क्या हुआ, यहाँ पर मैं मेट्रो में आया हुआ था मैं और ट्रेन का वेट कर रहा हूँ। तो जब मैं आया था मेट्रो में, मतलब जब मैं एंट्री कर रहा था, तो उसके बाद एक मतलब मेरे सामान वामन ये सब देख के, तो एक यहाँ पे जो इंचार्ज थे यहाँ के, जो पता नहीं वो क्या थे, क्योंकि मैं ऑलरेडी दिल्ली में पहली बार ट्रैवल कर रहा हूँ मैं मेट्रो में, तो वो मुझसे बोल रहे थे कि मोटो ब्लॉगर हो। मैंने कहा हाँ मोटो ब्लॉगर हूँ, बोले अच्छी बात है। तो उन लोगों ने मेरा सब्सक्राइब किया चैनल, और उनको देख के और दो तीन लोग और दो तीन पुलिस वाले भी आ गए और वो लोग भी सब्सक्राइब करने में लगे हुए थे मेरे चैनल को। तो ये सब देख के बड़ी खुशी मिलती है, अच्छा लगता है कि कुछ हम कर रहे हैं तो लोग उसका सपोर्ट भी करते हैं। मेरे इसमें सीसेस वगैरह रखी हुई थी स्ट्रिप वगैरह काटने के लिए, तो मुझे डर लगा था पहले तो कि सीसे को देख के लोग हटा नहीं दो, मेरे कुछ गैजेट्स वगैरह को देख के निकाल नहीं, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। ईजीली मैं यहाँ पर आ गया और आने के बाद एकदम बढ़िया तरीके से अब मैं मेट्रो का वेट कर रहा हूँ, सरदारपुर से मेट्रो आ जाए फिर सीधे निकलेंगे अपने डेस्टिनेशन पर।
स्टेटस हो चुकी है कि यहाँ पर एक भी कोई भी चार्जिंग पोर्ट नहीं है। मैं सोचा था कि मैं एडिटिंग करता हूँ निकल जाता, लेकिन मेरा लैपटॉप भी चार्ज नहीं है और यहाँ भी कोई पोर्ट नहीं है चार्जिंग का। अब क्या ही करें, बड़े लंबे फंस गए। पर चलो कोई नहीं, बस अच्छी गाड़ी, काफ़ी कंफर्टेबल है और अब आप इंजॉय कीजिए उससे पहले सिनेमेटिक व्यू। और वैसे भी सो वैसे से पहले दोपहर में थोड़ा बहुत मैंने खाया था खाना, उसके बाद शाम को हल्का सा स्नैक किया और शाम के बाद मैंने अभी तक मैंने कुछ भी नहीं खाया है, थोड़ी बहुत भूख भी लग रही है। तो नेक्स्ट स्टॉप मेरा जो भी आएगा तो उसमें कोशिश करेंगे कि कुछ मिल जाए खाने को तो ले लूँगा, मैं सफ़र के लिए भी ले लूँगा। थोड़े बहुत स्नैक्स वैसे रखे हुए हैं मेरे पास तो वो काम चल जाएंगे मेरे। तो चलिए आप इंजॉय कीजिए सफ़र का। और फिलहाल हमारी बस है वो चालू हो चुकी है, ब्रेक भी लग गए चालू होते होते। चलिए फिर मिलता हूँ, अब आप कीजिए सिनेमेटिक एंजॉय। अब मिलूँगा मैं आपसे, मैं तो सीधा शिमला में, और बीच में फिर होता है उतरता हूँ तो मैं वो भी कुछ दिखाऊँगा।